वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल के आ रही है आप लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग देख लो। मैं हूँ ऑफिशियल वेबसाइट आपका रेलवे का भोपाल जोन का, और यहाँ पे जो है आज ही के डेट में आपका 4 फरवरी को नोटिस ऑन फोर्थ फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 1 आया हुआ है, और लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन स्लिप एंड डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर फॉर फोर्थ फेज है ना एग्जामिनेशन ऑफ सीबीटी 1 अंडर CEN नंबर 01/2019 आया हुआ है। एक्सेस द लिंक विथ द गिवन क्रेडेंशियल टू डाउनलोड एंड प्रिंट। इन केस ऑफ क्वायरीज प्लीज रेज द सेम ऑन द हेल्प डेस्क। ओके, तो देख लेते हैं फटाफट क्या है नोटिस, और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है सो इस तरह का नोटिस आएगा। तो चलो हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं और लेक्चर को लास्ट तक देखना। यहाँ पे आपको एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। चैनल पे नया हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको जो है सो अपडेट मिलता रहता है, इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है रेलवे एग्जाम के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई सा भी नोटिफिकेशन का हो, रिजल्ट का हो या प्रिपेरेशन का हो। ओके, और यहाँ पे देखो ये सब कुछ ऑफिशियल है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, आपका जो फेज 1 हुआ है, फेज 2 हुआ है और फेज 3 हुआ है ना, ये सब मिला करके अगर मैं एवरेज करता हूँ तो 75 लाख लोगों का एग्जाम हो चुका है और 50 लाख लोगों का एग्जाम बचा हुआ है, एवरेज मान करके चलते हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं। तो हम लोगों ने सोचा था कि 25 लाख और 25 लाख के आसपास का करेगा तो आपका 5 शिफ्ट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 15 लाख का ही एग्ज़ाम ले रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग नोटिस करना, मतलब क्या है कि 15 लाख अगर एग्ज़ाम ले लेगा तो भी आपका 35 लाख के आसपास स्टूडेंट बच जाओगे। तो ज़्यादातर चांस है कि रेलवे थोड़ा सा टाइम लेने के मूड में है, मतलब आपको प्रोसेस को वो लंबा कर रहा है, मतलब आपका जो है फेज 4, फेज 5, फेज 6 तक जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक फेज में बचे हुए 35 लाख लोगों का एग्जाम वो नहीं करवाएगा। और आपका फेज 4 जो है वो 15 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक चलने वाला है, और जिसमें 15 लाख कैंडिडेट जो है सो एग्जाम देंगे। ओके, चलो। फॉर द कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड इन दिस फेज द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग अ फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर एससी एसटी कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन आरआरबी वेबसाइट ऑन 5 फरवरी। आज आपका 4 फरवरी है, 5 फरवरी को आपका जो है सो आ जाएगा 9 बजे रात में। डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल स्टार्ट 4 डेज प्रायर टू द एग्जाम डेट मेंशन्ड इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन करना। एक स्टूडेंट, सिर्फ एक बोर्ड ज्वाइन करना, जिस बोर्ड से आपने एनटीपीसी का या ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एनटीपीसी रांची बोर्ड में 1064 स्टूडेंट हैं जो सिर्फ रांची बोर्ड से एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए हैं। ऐसे कर करके आपका जैसे कि बिलासपुर का देखो 406, चंडीगढ़ का देखो 191, बेंगलोर का देखो 576, मुंबई का देखो 161 ग्रुप डी का है ना। तो ऐसे कर करके जो है सो आपका काफ़ी स्टूडेंट हैं। तो आप लोग क्या करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपने बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, वहाँ पे आपस में डिस्कशन करो। याद रखना आपके बोर्ड का कट ऑफ अलग जाएगा और किसी दूसरे बोर्ड का कट ऑफ अलग जाएगा, इसीलिए आपको सिर्फ अपने बोर्ड से मतलब होना चाहिए। ओके, चलो। पॉइंट नंबर 4 है, नेसेसरी इंटीमेशन इज ऑल्सो बिंग सेंड टू ऑल दोज कैंडिडेट शेड्यूल्ड इन द फोर्थ फेज टू देयर ईमेल एंड मोबाइल। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हो, सर मेरा अभी तक जो है सो ईमेल पे या मोबाइल पे नहीं आया तो मेरा क्या होगा? तो देख रहे हो ना, अभी भी आपका 50 लाख कैंडिडेट बचे हुए हैं और इस नोटिस के हिसाब से 15 लाख माइनस करोगे, अभी भी 35 लाख लोग बचे हुए हैं, तो हो सकता है आपका एग्जाम नेक्स्ट फेज में होगा। ओके, चेक कर लेना। द रिमेनिंग कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड इन सब्सिक्वेंट फेजेज। हेल्प डेस्क में आपको पता ही है, हेल्प डेस्क में दिया गया है, और हेल्प डेस्क हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज दिस हेल्प डेस्क फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन। और अगर आपके मन में फिर भी कोई ऐसा क्वेरीज है जिसका क्लैरिफिकेशन आप लोग चाहते हो तो इसी वीडियो में आप लोग कमेंट करना, उसका क्लैरिफिकेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली ऑफिशियल वेबसाइट। ये तो हर बार मैं बताता हूँ कि आपको अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है, जो भी आएगा वो ऑफिशियली आएगा। और आपका जो है सो कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड कंपाइल विथ द इंस्ट्रक्शन
अपलोडेड अलॉन्ग विथ द ई कॉल लेटर। और वैसे भी मॉर्निंग में कहा था आप लोगों के ई कॉल लेटर पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, गेट ओपनिंग टाइम या आपका जो है सो एग्जाम किस टाइम से किस टाइम, सब कुछ आप लोग अच्छे से जो है सो देख लेना। ठीक है, देख लो यहाँ पे आपका 4 फरवरी का नोटिस आया हुआ है और उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेक्चर को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना रेलवे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन का तुरंत अपडेट के लिए। थैंक यू।